जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक का जिक्र हर एक व्यक्ति करता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि सर अल्टकॉइंस को कब हम परचेज करें। पिछले काफी दिनों से यह सवाल मुझे लगातार हिट हो रहा है, चाहे मेल के जरिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, और काफी लोग तो मुझे चलते फिरते भी पूछ लेते कि सर अल्टकॉइंस में इन्वेस्टमेंट कब करें। तो आज के इस वीडियो में खुलासा करने वाले हैं कि अल्टकॉइन में इन्वेस्टमेंट हमको कब करना चाहिए, क्या ये वो मौका हमसे छूट चुका है, अगर छूटा नहीं है तो कब तक हम वापस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी बनेगी लेकिन वीडियो को लास्ट भी करके आपने एंड तक देखना है। और गाइस एक चीज आपको यहाँ पर कहना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देंगे ना तो आने वाला जो बुल रन है उसका प्रॉफिट भी आप स्किप कर देंगे, तो इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को लास्ट भी करके आप एंड तक देखो। आपका प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हर वीडियो पे 200 लाइक का कम से कम टारगेट है, तो लाइक को टारगेट को हिट करने में पूरी पूरी हेल्प जरूर करो, और मुझे उम्मीद है आप इस टारगेट को अचीव करने में पूरी हेल्प करेंगे। और जो लोग चैनल पे बिल्कुल न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जाकर वो सब्सक्राइब भी बेसिकली यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए काफी लोग जो सवाल पूछते हैं कि सर अल्टकॉइन को कब परचेज करें, अब इनके सवाल के अंदर काफी ज्यादा दुविधाएं भी होती है कि भाई वो क्या हिसाब से परचेस करने की बात कर रहे हैं, क्या वो अल्टकॉइंस को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में बात कर रहे हैं या वो अल्टकॉइन को शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको अल्टकॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो या शॉर्ट टर्म के लिए रखना चाहते हो। क्योंकि अगर मैं टेक्निकल के हिसाब से बात करूं तो हम ऑलरेडी एंट्री ले चुके हैं, मैंने काफी दफा आपसे वीडियो में भी जिक्र किया था कि हम बॉटम बना चुके हैं। अगर आप एटलीस्ट जनवरी फरवरी का मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको वहां पर क्लियरली आइडिया हो जाएगा, जहां पर हमने ये डिस्कस किया है कि भाई बॉटम बन चुका है और मैं पर्सनली अल्टकॉइन में एंट्री कर रहा हूं। तो जो लोगों ने उस टाइम एंट्री लिया है तो वेल एंड गुड, लेकिन जो लोगों ने अभी एंट्री नहीं लिया है तो उनके लिए मैं टेक्निकल के हिसाब से भी थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लूंगा। देखिए अगर आप बिटकॉइन का चार्ट के देखेंगे, बिटकॉइन एक मेन इंडिकेटर है अल्टकॉइन में एंट्री लेने के लिए। वो क्यों? क्योंकि देखिए बिटकॉइन अगर बॉटम बनाएगा तो अल्टकॉइन के अंदर भी बॉटम बनेगा, बिटकॉइन अगर अपसाइड रैली कर रहा है तो अल्टकॉइन के अंदर भी हमको रैली देखने को इजिली मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर मंथली चार्ट लूंगा, ओके, ताकि थोड़ा सा हमको चीजें अच्छे खासे क्लियर हो जाए। राइट, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, मंथ का रिमूव, ओके। आप अगर इस बिटकॉइन को चार्ट को देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये जो पीरियड था ये पूरा का पूरा पीरियड था जहां पर मार्केट ने डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया था, वहां से मार्केट ने अच्छा खासा फॉल डाउन किया है। और एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे ऑन जैन 2023 यहां से मार्केट ने अपसाइड जाना स्टार्ट किया, पहले तो यहां पर जो एक तरीके से हाई था उस हाई को अपसाइड में ब्रेकआउट किया, और ऑलमोस्ट आप यहां पर कह सकते हो 2-4-5 से 6 महीना हो चुका है क्या मार्केट जो पिछला रेजिस्टेंट था उसके बिलो अभी तक नहीं गया है। राइट है, तो जो सवाल था एंट्री करना चाहिए, तो भाई एंट्री तो हमको करना चाहिए, एंट्री हम बना चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन अभी जो दूसरा सवाल है कि भाई हमने एंट्री नहीं बनाए हम क्या करें, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जब जब बिटकॉइन करेक्शन लेगा, जैसे कि अभी आप यहां पर देखो बिटकॉइन अच्छा खासा यहां तक हाई गया, हाई जाने के बाद मार्केट ने यहां से पहला आप ये कह सकते हो करेक्शन किया था, ओके। अगर आप इस करेक्शन को देखेंगे मार्केट ने फर्स्ट यहां पर करेक्शन किया, तो जब भी बिटकॉइन डाउन जाएगा अल्टकॉइंस भी बेसिकली डाउन जाएंगे, तो बेसिकली वहां पर जाओ आप अपना एंट्री बना लो, जो लोगों ने अभी तक एंट्री नहीं किया, या प्लस जो लोग फ्रेश में और ज्यादा बाइंग करना चाहते, जैसे कि मैं हमेशा बाइंग करते रहता हूं जब भी मुझे मार्केट में डीप मिलता है। सेकेंड, अब अगर मार्केट यहां से और ज्यादा ड्रॉप डाउन लेगा आप अल्टकॉइंस में और एंट्री बनाओ, अगर मार्केट उसके बाद और भी ज्यादा ड्रॉप डाउन लेगा तो आप अल्टकॉइन में दोबारा एंट्री बनाओ। देखिए ये जो फाइनल ड्रॉप डाउन रहेगा ये लास्ट ड्रॉप डाउन रहेगा, इसके बाद मार्केट कभी क्रैश नहीं करेगा, क्योंकि ये एक फाइनल साइन रहेगा कि आप एंट्री कर लो, इसके अगर अभी भी एंट्री नहीं करोगे तो फिर इसके बाद दोबारा कभी भी आपको एंट्री करने का मौका नहीं मिलेगा। ये सिनेरियो किसके हिसाब से बता रहा हूं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, जो लोग अगले बुल रन के लिए अल्टकॉइंस को होल्ड करके रखना चाहते हैं ये उनके लिए बेसिकली। अब उन लोगों की बात करते हैं जो शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत है, पहला टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं उनको टेक्निकल नॉलेज अगर नहीं है तो वो ट्रेड कभी नहीं कर पाएंगे, ना ही उनके ट्रेड सही जाएंगे। तो सबसे पहले नॉलेज को ग्रैब करो, आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स हमने बनाया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है,
पहले 10 यूजर्स के लिए हम प्रॉपरली डिस्काउंट दे रहे हैं। वैसे तो कोर्स का प्राइस 22,500 है, लेकिन पहले 10 यूजर्स के लिए हम कोर्स का प्राइस 3,500 रुपया रख रहे हैं। तो आप अगर इसको ऑफर का बेनिफिट लेना चाहते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड भी दिया हुआ है, जाकर आप उसको फायदा उठा सकती हो। ओके, तो पहले तो टेक्निकल सीख लो, और टेक्निकल सीखने के बाद अगर आपको ट्रेड करना है तो आप दो ही बेसिकली चैप्टर्स को देखो, मैं कहूंगा नंबर 1 बिटकॉइन, दूसरा है आपका DXY। ये क्यों बोल रहा हूं आपको, देखिए बिटकॉइन अगर डंप होगा अल्टकॉइन भी डंप होंगे, DXY क्यों हमको देखना, क्योंकि DXY अगर पंप करेगा तो बिटकॉइन डंप लेगा, और DXY अगर डंप करेगा तो बिटकॉइन बेसिकली पंप करेगा। तो ये जो फंडामेंटल कोरिलेशन होते हैं प्राइस को लेकर, ये काफी हद तक हमको देखना होते हैं डेली बेस पर ट्रेड करने के लिए। तो आप अगर डे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, अल्टकॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं डेली बेस पर, तो आप बेसिकली जाओ इन सिनेरियो को देखो कि भाई DXY क्या कर रहा है, DXY अगर पंप है, बुलिश कर रहा है, तो बेसिकली अल्टकॉइन बेयरिश रहेंगे तो वहां पर तो हमको ट्रेड नहीं लेंगे, अल्टकॉइन मतलब बिटकॉइन बेयरिश रहेगा। अब अगर बिटकॉइन बेयरिश साइन कर रहा है तो अल्टकॉइन भी बेसिकली करेक्शन यहाँ पर करेंगे। तो ये एक सिंपल सा फंडा है कि भाई अल्टकॉइंस को किस हिसाब से हमको बाय करना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो यही है कि आपको बिल्कुल एंट्री ले लेनी चाहिए अल्टकॉइंस के अंदर, क्योंकि मेरे ख्याल में तो यही है कि हम ऑलरेडी बॉटम बना चुके हैं। अब जो करेक्शन मिलेगा ये करेक्टिव फेस रहेगा, जहां पर आपको मार्केट दोबारा मौका दे रहा है परचेस करने के लिए। मैं आपको थोड़ा सा चार्ट भी बता दूंगा मेन अल्टकॉइंस का, ताकि आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि भाई कौन से अल्टकॉइंस में हम बेसिकली क्रिप्टो में बेसिकली हम दोबारा एंट्री बना सकते हैं। बिटकॉइन को तो आपको क्लियर समझ में आ चुका है। नेक्स्ट इथेरियम देख लो, यहां पर बेसिकली ऑलमोस्ट अगर इसके बॉटम की बात करें तो ये तो जून 2022 में ही बॉटम किया क्रिएट किया था, लेकिन हमने अभी जो एंट्री ली है 2023 के जनवरी में, वो मार्केट के साइकिल के हिसाब से लिया है, बिटकॉइन के साइकिल के हिसाब से। ओके, जो कि यहां पर हमको मौका दोबारा मिला था 1180 के ऊपर, हमने यहां पर बाय किया, मार्केट हाई गया और अभी मार्केट करेक्शन फेज दिखा रहा है। तो बेसिकली इथेरियम में अगर आपको अभी एंट्री बनाना है तो आप एंट्री बनाओ, अदरवाइज मार्केट अगर क्रैश करता है, ओके, जो कि अभी चांसेस ज्यादा नहीं है। चांसेस क्यों ज्यादा नहीं है, क्योंकि देखिए जो करेक्शन फेज था वो सितंबर मंथ के करीब तक था कि भाई सितंबर, क्योंकि ऑल ओवर हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सितंबर मंथ बियरिश रहा है, लेकिन अगर आप अक्टूबर का मंथ देखेंगे हिस्ट्री के हिसाब से, जो कि ऑलरेडी मैंने पहले भी डिस्कस किया हो, तो वो अच्छा खासा बुलिश मार्केट रहा है। तो सिंपल सी चीज है, ऑलमोस्ट अगर हम अभी की बात करें तो 23 तारीख यहाँ पर आ चुकी है, गिनती के 7-8 दिन बाकी है मंथली कैंडल क्लोजिंग को, और जो हिसाब से मार्केट लेवल को होल्ड कर रहा है तो एक्सपेक्टेशन ये है कि करेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर होता है तो ये हम सबके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगा कि हम इथेरियम को और भी ज्यादा लोवेस्ट प्राइस पे परचेस कर सकते हैं। सेम कार्डानो, ये देखो आप एग्जैक्टली आप देखेंगे तो जनवरी 2023 में बॉटम बनाकर आई गया और अभी दोबारा उसी बॉटम पर आ चुका है, तो ये हमको अच्छा खासा मौका दे रहा है, राइट है। तो इसमें भी अगर आपने एंट्री नहीं अभी तक बनाई है तो आप या तो इस मंथ का एंड तक का क्लोजिंग का वेट करो, या अगर बाय करना चाह रहे हो तो ये प्राइस कोई बुरा नहीं है कार्डानो को परचेज करने के लिए। सेम यहां पर आप पोलकाडॉट को देख लो, पोलकाडॉट यहां पर बेसिकली आप देखो जनवरी में बॉटम किया था, हाई गया, मार्केट दोबारा इस वाले जोन पे करेक्शन कर रहा है, तो एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन पोलकाडॉट का फिलहाल यहाँ पर अनलॉक्स भी होने वाला है, काफी बड़े बड़े क्वांटिटी में है, तो उस अनलॉक का इफेक्ट हमको पोलकाडॉट के प्राइस पे देखने को मिल सकता है। अगर आप चाहते हो कि उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊ तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करो, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि मैं पोलकाडॉट का अनलॉक का सिस्टम क्या है और हमको कब बाय करना चाहिए। तो थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर यहाँ पर बनेगा, तो आप चाहो तो अक्टूबर मंथ के बाद बाइंग कर सकते हो पोलकाडॉट के अंदर, लेकिन वही है पोलकाडॉट 2.0 भी आ रहा है, जो कि एक फंडामेंटल पॉजिटिव न्यूज उस टाइम दी जा रही है जिस टाइम बेसिकली पोलकाडॉट का अनलॉक्स भी हो रहा है। तो एक तरफ अनलॉक्स भी है, एक तरफ पॉजिटिव न्यूज भी है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है। तो आप इसमें चाहो तो अपना एंट्री बनाते रह सकते हो, बनाते रह सकते हो, इसका मतलब क्या है कि हर डीप पर आपको SIP यानी आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना होगा, ऐसे नहीं कि पूरा पैसा उठाए अभी डाल के बैठ गए, नहीं। जैसे कि आप देखो नियो के अंदर, नियो जब यहां पर क्रिएट हुआ था ऑलमोस्ट जनवरी में, हमने यहां पर परचेस किया, हाई जाकर करेक्शन यहां पर किया, हमने दोबारा परचेस किया, हाई जाकर फिर करेक्शन किया, हमने अभी दोबारा परचेस किया। अब अगर मार्केट दोबारा ड्रॉप डाउन लेता है $4 या $5 पे, तो बेसिकली हम दोबारा वहां पर परचेस करेंगे। तो नॉर्मली यही होता है कि आप जब भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्रिप्टो करेंसी को परचेस कर रहे हो तो वहां पर यही होता है कि आपको जब भी करेक्शन मिलेगा तो करेक्शन फेज को प्रॉपर तरीके से आप मंथली वीकली बेस पर एनालिसिस करो, सपोर्ट जोन को फाइंड आउट करो और उसके ऊपर आप अपनी एंट्री बना सकते हो। करेक्शन का मतलब ये नहीं है एक सिंगल डे की कैंडल में करेक्शन हुआ बाय करो, करेक्शन हुआ नहीं, वीकली या मंथली बेस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करो,
प्रॉपर आप देखो कि भाई कहाँ पर सपोर्ट, कहाँ पर रेजिस्टेंट है, उसके हिसाब से आप अपना प्लान करो और फिर आपका एसआईपी स्मॉल स्मॉल जोन के अंदर करते रहो। क्योंकि और ये नॉलेज आपको तभी मिलेंगे जब आपको टेक्निकल नॉलेज रहेंगे। तो टेक्निकल नॉलेज पहले ग्रैब करो, कोर्स का लिंक दिया हुआ है, पहले 10 लोगों के लिए ऑफर है, तुरंत जाकर उसको ऑफर को ग्रैब करो, आपके लिए अच्छा मौका है सीखने के लिए, ठीक है। और मेन चीज ये है कोर्स जो हमारा लाइफ टाइम अपडेटेड के साथ है, अभी हम इसके अंदर बहुत सी चीजें अपडेट भी कर रहे हैं, जो पहले के लोग हैं उनको वो अपडेट आने वाले टाइम के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो इतनी ही चीज बोलूंगा, आपने अगर अल्कोन में एंट्री नहीं बनाई है तो जो सिनेरियो बताया है वो हिसाब से एंट्री बना लो, और अगर बना चुके हैं और बनाना तो बनाओ यार, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि जब बुल रन स्टार्ट होगा ना तो मार्केट सिर्फ पंप करेगा, और उस वक्त हम बिल्कुल बवाल जाएंगे कि भाई हमको करना क्या है। क्योंकि जब मार्केट पंप होता है ना तो ज्यादा समझ नहीं आता कि यार बाय करे सेल करे, तो भाई अभी मौका है, स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टमेंट करते रहो। लेकिन एक चीज ये भी है कि ऐसे कोई कॉइन में पैसे ना लगा दो जिसमें आपको 100% रिस्क, जैसे कि शिट कॉइन, मीम कॉइन, तो ऐसे कॉइन्स में बिल्कुल अपना पैसे को इन्वेस्ट ना करो। उन कॉइन्स में इन्वेस्ट करो जिसका फंडामेंटल कुछ रीजन है, जो कि रियल मार्केट वैल्यू दे रहा है, जो कि रियल प्रोजेक्ट्स में वर्क कर रहा है, उन पे ही इन्वेस्टमेंट करो, तो ही आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो गाइस ऑल ओवर वीडियो था, और उम्मीद करूंगा आपको वीडियो प्रॉपरली समझ में आ चुका है। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी आपके क्वेरीज हैं नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन कर सकते हो। तो गाइस फिलहाल वीडियो को यहाँ पर एंड करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड जय हिंद।